हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा। दिस इज़ इन कॉन्टिन्यूशन विद द प्रीवियस टॉपिक इन विच वी हैव रेड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा। विद द टर्म एज वी कैन गेस दैट मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा मतलब वो म्यूकोज़ा जो मास्टिकेशन में कुछ कर रहा। सो मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा इज़ द म्यूकोज़ा that helps to counteract the forces of mastication। ठीक है, तो मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा क्या है? वो म्यूकोज़ा जो फोर्सेज ऑफ मास्टिकेशन को ओवरकम करने में हेल्प करे, दैट इज़ नोन एज मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा। नाउ इट इज़ व्हाट इट इज़ केराटिनाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये किससे किससे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ट पैलेट एंड जिंजाइवा। ठीक है, सो इसमें क्या है, इस म्यूकोज़ा में बाकी जगह के म्यूकोज़ा से इट इज़ वेरी सिमिलर। इट हैज़ सेम थिकनेस, केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथीलियम, सेम थिकनेस, डेंसिटी एंड फर्मनेस ऑफ द लमाइना प्रॉपरिया ऑल्सो, बट देयर इज़ द डिफरेंस प्रेजेंट इन द सब म्यूकोज़ा। ठीक है, सो इस म्यूकोज़ा में क्या है, देयर इज़ डिफरेंस इन द सब म्यूकोज़ा। ठीक है, तो इस म्यूकोज़ा में, सब म्यूकोज़ा में डिफरेंस रहता है। अलॉन्ग विद दिस मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा में दो CK10 एंड CK1, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा में इन द सुप्रा बेसल लेयर। ठीक है, सुप्रा बेसल लेयर में मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा में CK10 एंड CK1 आर प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ द मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है मास्टिकेटरी म्यूकोज़ा? इट इज़ बाउंड टू द बोन एंड इट डज नॉट स्ट्रेच। पहला क्या है, ये bound to bone and it does not stretch. Next is what? It bears the forces which are generated while bears forces of mastication or bears the forces generated while chewing. नेक्स्ट इट इज डिस्टेंसिबल है ये। ठीक है, सो इट इज डिस्टेंसिबल एंड इट अडेप्ट इटसेल्फ टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चिप लिप, चीक लिप एंड टंग। ठीक है, ये क्या करता है, डिस्टेंसिबल है, ये क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है इटसेल्फ टू कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of cheek, lip and tongue. Okay, so these are the three functions which the masticatory mucosa performs. Now we have seen that it has two parts, which is the hard palate and the gingiva. These form very important questions in the exam. So if these questions come, first of all you need to write the answer as introduction. Pehle batayenge ki ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक जाता है। देन यू नीड टू मेंशन अबाउट एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू और लेमाइना प्रॉपरिया। आफ्टर दैट सब म्यूकोज़ा। ये चार चीज़ मेंशन करने के बाद यू विल मेंशन अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ओके,
So this is it about the masticatory mucosa. It is a mucosa which helps to counteract or which bears the forces of mastication. It is made up of hard palate and gingiva. It is keratinized and isme sub mucosa mein difference rehta hai. Remaining it has same thickness and keratinization of epithelium. It has same thickness, density and firmness of the lamina propria. Along with this, in the suprabasal layer it contains CK1 and CK10 proteins. What are the functions of the masticatory mucosa? It is bound to the bone and it does not stretch. It bears the forces of mastication which are generated while chewing. It is distensible, so it adapts itself to the contraction and relaxation of cheek, lip and tongue. Now whenever the question comes, you need to write the answer either about gingiva or hard palate in the following points. In the next video, I'll be discussing about hard palate. So stay tuned. Thank you. Keep visiting.